हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट सर्च। तो दोस्तों, महाकालेश्वर मंदिर के ये रूढ़ रहस्य नहीं जानते होंगे आप। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव को समर्पित ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में बना है। इस मंदिर के कई पौराणिक ग्रंथों में काफ़ी सुंदर वर्णन मिलता है। देश दुनिया से यह सभी महाकाल यानी कि भगवान शिव के दर्शन हेतु पूरे साल आते रहते हैं, मगर कुंभ के दौरान या लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके साथ ही मान्यता के अनुसार मंदिर से जुड़ी कई किंवदंती प्रचलित है, जिस कारण से यह मंदिर पर्यटक की सूची में सबसे ऊपर आता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर से जुड़े रहस्य। तो दोस्तों, इससे पूर्व मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। महाकालेश्वर मंदिर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में विभाजित है। इसके ऊपरी हिस्से में नागचंद्रेश्वर मंदिर है, नीचे ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे नीचे जाकर आपको महाकाल मुख्य ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित नजर आते हैं, जहां आपको भगवान शिव के साथ ही गणेश जी, कार्तिकेय और माता पार्वती की मूर्तियों के भी दर्शन होते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही यह एक कुंड भी है जिसमें स्नान करने से भी सभी पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों, मान्यता के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने से जुड़ी एक कथा है। दरअसल दुष्यंत नामक असुर से प्रांत के लोगों की रक्षा के लिए महाकाल यहाँ प्रकट हुए थे। फिर जब दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने शिव जी से उज्जैन में ही वास करने की प्रार्थना की, तो भगवान शिव महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ऐसे उज्जैन के शास्त्रों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण को भी लेकर भी मिलता है, क्योंकि उनकी शिक्षा यही हुई थी। तो दोस्तों, उज्जैन को प्राचीन काल से ही एक धार्मिक नगरी की उपाधि प्राप्त है। आज भी यहाँ भारी संख्या में दर्शन के लिए भक्त आते हैं। दरअसल भगवान महाकाल की भस्म आरती के दुर्लभ पलों का साक्षी बनने का ऐसा सुनहरा अवसर और कहीं नहीं प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो इस आरती में शामिल हो जाए उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके बिना आपके दर्शन पूरे भी नहीं माने जाते हैं। इसके अलावा यहाँ नागचंद्रेश्वर मंदिर और महाकाल की शाही सवारी आदि भी पर्यटकों के जिज्ञासा का विषय बन रहे हैं। तो दोस्तों, हर सुबह महाकाल की भस्म आरती करके उनको श्रृंगार होता है और उन्हें ऐसा जगाया जाता है। इसके लिए वर्षों पहले शमशान से भस्म लाने की परंपरा थी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों से अब कपिला गाय के गोबर से बने कंडे, शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमलतास और बेर की लकड़ियाँ को जलाकर तैयार किए गए भस्म को कपड़े से छानने के बाद इस्तेमाल करना शुरू किया है। दरअसल भस्म को सृष्टि को सार माना जाता है, इसलिए प्रभु हमेशा इसे धारण किए रहते हैं। यहाँ के नियमानुसार महिला को आरती के समय घूंघट करना पड़ता है। दरअसल महिला इस आरती को नहीं देख सकती है। इसके साथ ही आरती के समय पुजारी भी मात्र एक धोती में आरती करते हैं, अन्य किसी भी प्रकार के वस्त्र को धारण करने की मनाही रहती है। तो दोस्तों, महाकाल की भस्म आरती के पीछे यह मान्यता है कि भगवान शिव जी श्मशान के साधक है, इस कारण से भस्म को उनका श्रृंगार आभूषण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसी मान्यता है कि ज्योतिर्लिंग पर चढ़े भस्म को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, इस तरह महाकालेश्वर मंदिर में ऐसे मान्यता पाई जाती है। तो दोस्तों, इस तरह महाकालेश्वर मंदिर भगवान शिव का अवतार माना जाता है, यानी कि साक्षात भोलेनाथ यहाँ वास करते हैं। तो दोस्तों, आपका वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।